हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हर रोज की तरह मैं आज भी नो कांटेक्ट का रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगा आप देख सकते हैं। कोई भी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकता है। सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स, वीडियो सबके लिए ओपन है। सारे रिलीजन के लोग, सारे कास्ट कल्चर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जिसके बारे में सोच के आप रीडिंग को देखेंगे उसकी एनर्जी को रीडिंग पिक करेगा। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आप रखें, बाकी को जाने दें, क्योंकि ये रीडिंग सबके लिए है तो डिफर कर सकता है। ठीक है, एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए आप लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। करंट फीलिंग, स्पेशली करंट फीलिंग्स जानने के लिए आपको 333 में करंट फीलिंग्स के साथ गाइडेंस मिल जाएंगे, तो आप लोग ज़रूर ले सकते हैं। अगर आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहिए है, या तो फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, किस तरफ जा रहा है रिलेशनशिप, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो ज़रूर आप मुझे व्हाट्सएप पर पिन कर सकते हैं, इस नंबर पे पिन कर सकते हैं, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। और अदर्स टॉपिक पे या फिर क्वेश्चन पे रीडिंग के लिए भी आपको डिटेल्स व्हाट्सएप पर ही मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज के दिन में, जब भी आप रीडिंग को देख रहे हैं, जिस टाइम पे देख रहे हैं, उस टाइम पे आपके पर्सन की सिचुएशन कैसा है, ओवरऑल उनके लाइफ में क्या चल रहा है। तो जिसके बारे में सोच के आप देख रहे हैं उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स, जो लोग भी रीडिंग को देख रहे हैं, जिसके बारे में सोच के रीडिंग को देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है। स्पेशली जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, ब्रेकअप सिचुएशन है, ब्लॉक सिचुएशन में है, लेस कांटेक्ट में है, बातचीत तो हो रहा है लेकिन अच्छे से नहीं हो रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, उनके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, क्यों वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, प्लीज़ इनको गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है जिस वक्त मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिस वक्त मेरे व्यूअर्स जिस वक्त मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस टाइम पे क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में, जिसके बारे में वो सोच रहे हैं उनके लाइफ में क्या चल रहा है, जिसके बारे में वो सोच रहे हैं उनके लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज एंजल गाइड करें, प्लीज एंजल गाइड मी, प्लीज एंजल गाइड मी, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में। माय गॉड, आपके पर्सन सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपको कमिटमेंट देने के बारे में, आपके साथ परमानेंट वाला रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन। बॉटम ऑफ द डेक है, कॉट इन द रुइंस, लेकिन आपके पर्सन किसी सिचुएशन में स्टक है, आपको लेके ड्रीम कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग है, लेकिन किसी सिचुएशन में स्टक होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, रोते हैं चोरी छुप के, या तो फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल है। और कुछ लोग के पर्सन हो सकता है ट्रैवलिंग कर रहे हैं, दूसरे सिटी में जा रहे हैं, करंट सिचुएशन में जब भी आप देख रहे हो सकता है कि वो प्लानिंग कर रहे हैं ट्रैवल करने का, कहीं बाहर जाने का, और या तो फिर वाटर बॉडीज़ के आसपास, या तो फिर वाटर में वो ट्रैवल कर सकते हैं, बोट में ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर वो जहाँ जा रहे हैं वो वाटर के आसपास हो सकते हैं। कुछ लोगों के पर्सन को स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय है, उनको उनके जो भी एंसेस्टर्स है, जो भी यूनिवर्स है, जो भी उनको गाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो उनको नॉक कर रहे हैं उनके दरवाजे पे, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन खुद के लाइफ में इतने उलझे हुए हैं, खुद की प्रॉब्लम में इतने उलझे हुए हैं कि डिवाइन की जो मैसेज है, डिवाइन जो उनको हिंट्स दे रहे हैं कि उनको स्पिरिचुअलिटी में आना है, स्पिरिचुअल होना है, स्पिरिचुअली ग्रो करनी है, उस बात को वो पहचान नहीं पा रहे आपके पर्सन, ठीक है। तो उनको डिवाइन पावर ने उनको नॉक कर रहे उनके दरवाजे पे, लेकिन वो खुद की
सिचुएशन में इतना मगन है कि वो देख नहीं पा रहे, नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, और किसी के ना किसी के साथ उनका फाइट हो रहा है। हो सकता है करियर में जहाँ पे वो काम करते हैं, ऑफिस में फाइट हो रहा है, सोसाइटी में फाइट हो रहा है, या तो फिर घर में फाइट हो रहा है, या फिर इन सारी जगह से उनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, लगातार छोटी छोटी करके उनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, और इन सारी सिचुएशन में वो बैलेंस बना के चल रहे हैं, सन और मून के बीच बैलेंस बना रहे हैं, ठीक है, इमोशन एंड प्रैक्टिकलिटी के बीच बैलेंस बना रहे हैं। तो एक तरफ उनका दिल है, एक तरफ उनका प्यार है, सॉफ्टनेस है, नर्चरिंग वाली एनर्जी है, केयरिंग वाली एनर्जी है, दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी है कि मुझे पैसा कमाना है, सोसाइटी में मेरा एक इमेज है, उनको मैं ख़राब नहीं कर सकती, मेरा एक एटीट्यूड है, ईगो है, उसके बाहर मैं नहीं जा सकती। तो मस्कुलाइन एनर्जी में बहुत ज़्यादा जो है एटीट्यूड की प्रॉब्लम होते हैं, ईगो की प्रॉब्लम होते हैं, बहुत ज़्यादा जिद्दी नेचर के होते हैं। तो इन सारी सिचुएशन में वो बैलेंस बना के चल रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी वो नहीं हो रहे कि इमोशन में आके प्यार में आके वो कुछ भी कर रहे, ऐसा नहीं है। तो वो प्रैक्टिकल लाइफ को और इमोशनल लाइफ को भी बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, प्यार को नहीं चूज कर पा रहे हैं, ठीक है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है। ज़्यादातर टाइम आइसोलेशन में रहते हैं, या तो फिर गॉड से प्रे करते हैं, गॉड के साथ कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, और लव लाइफ के लिए बहुत ही पॉजिटिव वो सोचते हैं, आपको कमिट करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं आपके पर्सन, लेकिन किसी सिचुएशन में वो स्टक है, किसी सिचुएशन में वो अटके हुए हैं, लेकिन वहाँ से वो चाहे तो बाहर आ सकते हैं, लेकिन आ नहीं पा रहे क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं बाहर नहीं आ सकती, लेकिन वो चाहे तो बाहर आ सकते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि मैं बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि ये जो रूइंस है, इनके जो सीलिंग है वो सीलिंग ओपन है, वो चाहे तो सीलिंग से बाहर आ सकते हैं, लेकिन उनको दिख रहा है कि मैं ट्रैप्ड हूँ, मैं नहीं आ सकती, ठीक है। और कुछ लोग के पर्सन लव लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में ही वो ट्रैप्ड है, ठीक है, मतलब आपसे और आपकी एनर्जी से वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, आपके बिना कुछ और वो सोच नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी कुछ लोगों का सिचुएशन है। कुछ लोग के पर्सन आपके साथ डे ड्रीम कर रहे हैं, आपके साथ रिलेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर सोच रहे हैं, आपके साथ सपना देख रहे हैं कि फ्यूचर ऐसा होगा, हम दोनों एक साथ रहेंगे, घूमेंगे, मजाक मस्ती करेंगे, बाहर जाएंगे, अच्छा वाला टाइम स्पेंड करेंगे, ट्रैवल करेंगे। तो बहुत ज़्यादा ड्रीम कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, क्योंकि ये जो एयर बलून्स है उनके नीचे जो भी बास्केट है, इस बास्केट में क्या रखा है किसी को नहीं पता, ठीक है, ना आपको पता है ना आपके पर्सन को पता है। तो आप दोनों ही जो है, हो सकता है कुछ लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, इसीलिए कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा आप लोगों के रिलेशनशिप में आपको नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल आप लोग एंजॉय कर रहे हो लाइफ को, लव लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो, इस तरीके का भी कुछ लोगों का सिचुएशन है। तो जिनसे भी ये सिचुएशन मैच करता है, मुझे ज़रूर से कमेंट में बताना कि आप लोग का रिलेशन ओवरऑल सही चल रहा है, लेकिन आपको नहीं पता कि आगे जाके क्या होगा, और आपके पर्सन आपको प्यार की रोजेस देना चाहते हैं, किंग ऑफ रोजेस की एनर्जी है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके दिल में आपके लिए भर भर के प्यार है, इमोशन है, लव है, प्यार है, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है गाइस। तो यहाँ पर कुछ लोग डेस्टाइन कनेक्शन में हो सकते हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हो। तो आप लोगों का जो मीटिंग है वो पास्ट लाइफ रिलेटेड मीटिंग है, ठीक है, पास्ट लाइफ से फिक्स्ड हुए हैं, और यहाँ पर आपके पर्सन एक सॉलिड ऑफर आपको देंगे, कमिटमेंट दे सकते हैं, आने वाले 7 डेज के अंदर आप लोगों का बातचीत हो सकता है, आने वाले 1 ईयर के अंदर हो सकता है कि वो आपको कमिट करे। जो लोग का अभी भी बातचीत नहीं हो रहा है, तो बातचीत नहीं हो रहा है तो कमिटमेंट वो कहाँ से देंगे, ठीक है, तो हो सकता है बातचीत होने के 1 ईयर में वो आपको कमिट करे, या तो फिर अगर बातचीत हो रहा है तो 1 मंथ के अंदर वो आपको बोल सकता है कि मैं इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहती हूँ, फ्यूचर देख रही हूँ या फिर देख रहा हूँ। तो इस तरीके का वाइब्रेशन है गाइस, रियूनियन की बहुत चांसेस है, कमिट करने का चांसेस है, डिपेंड्स ऑन आपका सिचुएशन कैसा है, आपका सिचुएशन जैसा है, आप जितने ग्रो कर रहे हो उसके हिसाब से आपको रिजल्ट दिखेंगे। अगर आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हो अपने ऊपर, अपने करियर के ऊपर,
बस आप हर रोज़ रीडिंग देख रहे हो, वेटिंग में हो कि आपके पर्सन वापस आएंगे तो आपको रिजल्ट नहीं दिखेंगे। आपको खुद के ऊपर काम करना होगा, खुद के करियर में काम करना होगा, पॉजिटिव रहना होगा, अपने लाइफ में अपने आप भी खुश रहना होगा। मतलब अगर आप अपने लाइफ में अकेले भी हैं तो आपको अकेले खुश रहना सीखना होगा, उसके बाद ही आपको पॉजिटिविटी दिखेंगे। प्लीज एंजल गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन। देखिए वहाँ से किंग ऑफ रोजेस आया था, यहाँ से किंग ऑफ कप्स, दोनों कार्ड सेम है। उनके दिल में आपके लिए भर भर के प्यार है, इमोशन है, लव है, ठीक है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस और स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है, कुछ सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं आपके पर्सन। और यहाँ पर आ गए डेविल, कैप्रिकॉन की एनर्जी है, एरिस लियो सजिटेरियस। आपके पर्सन आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं, आपको इस क्वीन की तरह देखते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल, खूबसूरत, इंटेलिजेंट, नर्चरिंग, केयरिंग, ठीक है, बहुत अच्छी वाली पोजिशन पे वो देखते हैं, अट्रैक्टेड है आपके तरफ, फिजिकली अट्रैक्शन फील करते हैं और बहुत बोल्ड देखते हैं आपको, स्मार्ट देखते हैं, ठीक है। तो मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो आप, लेकिन आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड बहुत मतलब चारों तरफ से आप जो है बहुत इंटेलिजेंट भी हो, और हो सकता है आप लोग ग्रो कर रहे हो अपने लाइफ में। अगर ग्रो नहीं कर रहे हो तो इसकी तरह बनो, क्वीन ऑफ बैंस की तरह बनो, ताकि लोग आपको देख के अप्रिशिएट करें कि हाँ ये जो पर्सन है इनका पर्सनालिटी अलग है सबसे। ये लोग आपको देखें तो अट्रैक्टेड हो आपसे, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी से अट्रैक्टेड हो, ठीक है, कि आप जो पर्सन हो आपकी तरह लोग बनना चाहे। इस तरीके से आपको खुद को ग्रो करना होगा, खुद के लाइफ में काम करना होगा, ठीक है। और एम्परर की एनर्जी है, आपके पर्सन पावरफुल डिसीजन लेना चाहते हैं, एरीज से। हर्मिट भार्गो की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पर्सन और आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन समझते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन समझते हैं, स्पेशली जो लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, ठीक है। तो हो सकता है आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल समझते हैं, नॉलेजेबल समझते हैं, और उनका इंट्यूशन उनको गाइड कर रहा है। और जो लोग ऐसे भी कनेक्शन में हो उन लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन को ड्रीम में आप नज़र आ रहे हो, आप लोगों का जो भी टाइम आप दोनों एक साथ स्पेंड किए वो वाला टाइम याद आ रहा है। तो यहाँ से लवर्स विद हाई प्रिस्टेस, आपके पर्सन को ड्रीम में आप नज़र आ रहे हो, या तो फिर आपके ड्रीम में आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, या फिर आपके पर्सन को इंट्यूटिवली गाइड किया जा रहा है कि वो आपकी तरफ आगे बढ़े। आपके पर्सन आपके लिए इमोशनल बहुत ज़्यादा है, खुद की इमोशन को छुपाते हैं, हाइड करते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपके पर्सन, ठीक है। और जो भी डेविलिश एनर्जी है वो एंड होने वाले हैं। डेथ क्यों आया है, पीछे जो गाइड करे, डेथ क्यों आया है यहाँ पर, उनके अंदर जो भी डर था, जिस डर की वजह से आगे नहीं बढ़ रहे थे, उस डर एंड होगा। आपके पर्सन पेज ऑफ सोर्स आपके तरफ आगे बढ़ेंगे, कॉल मैसेज करेंगे, ठीक है। एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच, एज डिफरेंस हो सकता है, और जो भी उनको कंट्रोल कर रहे थे उस सिचुएशन से बाहर आके आपको स्टेबल ऑफर देंगे और काट ऑफ करेंगे सिचुएशन को, ठीक है। उनके अंदर से वो डर खत्म हो जाएगा। सोर्स की एनर्जी नहीं था यहाँ पर, तो सोर्स भी आ गए हैं, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई। दी डेविल क्यों आया है, प्लीज एंजल गाइड करें, डेविल क्यों आया है यहाँ पर, डेविल की एनर्जी क्यों आए हैं। थ्री ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी डेविल है, यस, थर्ड पार्टी के साथ फाइट हो रहा है। देखिए डेविल के कुछ और कार्ड भी क्लैरिफाई कर सकता था, लेकिन यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्स के साथ टू ऑफ बैंस आया है। तो जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के रिश्ते में, वो डेविलिश एनर्जी है, वो डेविल है, और उस डेविलिश एनर्जी का एंड होगा। कुछ लोगों के यहाँ पर पेंटिकल का इशू आप दोनों के बीच में आ रहा है, पेंटिकल या फिर हेल्थ इशूज आप दोनों के बीच में डेविलिश एनर्जी का काम कर रहा है। लेकिन आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और आपके साथ प्यार का इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं,
बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। सिक्स ऑफ कप्स के साथ टू ऑफ कप्स प्यार इमोशन भर भर के है आपके लिए, और वो आपके साथ ही टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, आगे की लाइफ को आपके साथ ही बिताना चाहते हैं आपके पर्सन। तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आपके पर्सन के दिल और दिमाग में। चलिए देख लेते हैं आज के दिन में गाइडेंस क्या है आप सबके लिए। प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, कौन सी गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए मेरे व्यूअर्स को, कौन सी गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, कौन सी गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए मेरे व्यूअर्स को, कौन सी गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए प्लीज एंजल गाइड करें इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। वन कार्ड प्लीज एंजल गिव मी वन कार्ड। ओके टू कार्ड्स आ गए हैं तो इसको हम लेंगे। तो एंजल बोल रहे हैं क्या आप रेडी हो अवेकन होने के लिए, जागृत होने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, पावर गेन करने के लिए, क्या आप रेडी हो कॉन्शियस होने के लिए, आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रहा है उनके लिए सतर्क होने के लिए क्या आप रेडी हो, कितना आप आगे बढ़े हो, कितना आप ग्रो किए हो खुद को। क्या आप छोटी छोटी चीजों को जजमेंट करते हो बहुत इजीली, तो एंजल पूछ रहे हैं क्या आप जजमेंटल हो, क्या छोटी छोटी चीजों को आप जजमेंट करते हो। तो अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को जजमेंट करते हो कि ये पर्सन ऐसा है, ये पर्सन सही नहीं है, गलत पर्सन है, तो आप अपने अपनी ओपिनियन से अपने क्या बोलते हैं अपनी व्यू से जो भी सोचते हो क्या वो सही है, तो आपको जजमेंटल नहीं बनना है कि किसी को आप देखते ही उनको जज कर रहे हो कि ये पर्सन सही है या गलत, ये सही नहीं है। ठीक है तो यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर आपको क्लैरिटी लेके आना है कि यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है कि उस चीज़ों को देखने में कि आप देख रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, जजमेंट नहीं कर रहे हो कि किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को आप दूर से देख रहे हो, किसी के साथ किसी का फाइट हो रहा है तो आप दूर से देख रहे हो, उनको बोला जाता है कि ऑब्जर्व कर रहे हो कि देख रहे हो आप। और जब हम देख के कुछ समझ के या फिर ना समझ के जजमेंट कर देते हैं कि ये पर्सन सही नहीं है, ये जो कर रहा है वो सही नहीं है, वो जो कर रहा है वो सही नहीं है, यहाँ पर फाइट होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, क्यों हो रहा है, तो ये सारी थॉट्स अगर आपके दिमाग में आ जाते हैं या फिर आप किसी को एक्सप्रेस करते हो तो वो सही नहीं है। क्योंकि जजमेंटल नहीं बनना है आपको, सबका सिचुएशन अलग होते हैं, तो वो कौन सी सिचुएशन पर है, आप कौन सी सिचुएशन पर हो, आपको जजमेंट नहीं करना है किसी को। ठीक है यही बोला जा रहा है, गेन क्लैरिटी ऑन द डिफरेंस बिटवीन जजमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। तो आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि कौन किसको बोला जाता है कि ऑब्जर्व करना और किसको जजमेंट करना। अगर आप किसी को देख रहे हो तो ठीक है देखो पर मत जज करो, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पर। व्हाट आर यू ड्रॉइंग इन टू योर लाइफ, आप क्या कर रहे हो अपने लाइफ में, किस पोजीशन पर हो, और आपको जो भी वार्निंग्स मिल रहा है, जो भी अलर्ट्स आपको दिया जा रहा है एंजल की तरफ से, गाइडेंस दिया जा रहा है, क्या उन पे आप अटेंशन दे रहे हो। हो सकता है आप लोगों को कुछ गाइडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, कुछ साइन एंड सिंक्रोनिसिटी मिल रहा है, कुछ ड्रीम में आ रहा है, लेकिन आप लोग क्या उनको अटेंशन दे रहे हो। अगर दे रहे हो तो सही है, अगर नहीं दे रहे हो तो आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है। तो हो सकता है आपके लाइफ में क्या होने वाला है उसकी एक इंडिकेशन आपको मिल जाता है पहले से ही,
तो हो सकता है उसको आप नोटिस कर रहे हो नहीं भी कर रहे हो। तो अगर नहीं कर रहे हो तो आपको नोटिस करना चाहिए कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है, उसका एक इंडिकेट आपको पहले से ही मिलता है। एंजल बोल रहे हैं देखिए, जो भी आपको साइन एंड सिंक्रोनिसिटी मिल रहा है उसको आप नोटिस करें, उसको आप याद रखें। और हमेशा ये नहीं है कि जो भी वार्निंग्स आपको मिल रहा है, जो भी आपको दिख रहा है, वो हमेशा गलत होगा या फिर हमेशा सही होगा। तो दोनों चीज़ों में ही आपको याद रखना है कि आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है, कि आपको अलर्ट्स किया जा रहा है, कि आपको वार्निंग दिया जा रहा है, ताकि आपको पता चले कि आपके लाइफ में क्या अच्छा आ रहा है या फिर क्या बुराई आ रही है, क्या गलत चीज़ हो सकता है, तो आप पहले से अलर्ट रह सकते हो उसके लिए, ठीक है, पॉजिटिव रह सकते हो। और एंजल बोल रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ से हम लोग सीख सकते हैं कुछ, ठीक है, जान सकते हैं, लोगों की बातें सुन के या फिर कुछ पढ़ के हम लोग नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो ये मैसेज आप लोगों के लिए है, गाइडेंस आप लोगों के लिए है। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक करें वीडियो को, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाए। और कितना रेजोनेट हुआ, कितनी चीज़ें रेजोनेट हुई, कौन कौन सी चीज़ें रेजोनेट हुई, ज़रूर से मुझे कमेंट में बताना। तो फिलहाल टाटा, टेक केयर योर सेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।